नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका टाइटल है कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया वर्सेस पाक आफ्टर 78 ईयर्स, पाक मौलाना क्राइंग ऑन इंडियाज डेवलपमेंट। हालांकि मुझे लगता है कि कंपेरिजन बनता नहीं, मतलब आप कंपेरिजन दो एक जैसे देशों के लिए करोगे, दो बराबर करीब करीब बराबर वाले देशों की करोगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि लोग कहते हैं कि आप चाइना से कंपेयर क्यों नहीं करते, आप अमेरिका से कंपेयर क्यों नहीं करते। हमारा अभी कंपैरिजन चाइना और अमेरिका से बनता नहीं। चाइना इस रेस में कहीं आगे है, यूएसए कहीं आगे है, तो हमें कंपैरिजन उससे नहीं करना चाहिए। वैसे ही पाकिस्तान को भी कंपैरिजन इंडिया भारत से नहीं करना चाहिए। जो हम सेम इकोनॉमी वाले जो देश हैं, जैसे इंडिया है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान, इनफैक्ट जापान भी ले सकते हैं, इन जैसे देशों के बीच कंपैरिजन करना चाहिए। और जब आप उस लीग में पहुंच जाओ जैसे चाइना है, यूएसए है, तो फिर वहां पे कंपैरिजन बनेगा। ये है। हाँ, कुछ सेक्टर्स में कर सकते हैं, लाइक सर्विस सेक्टर में हम कहां पर करते हैं, या यूनिकॉर्न सेक्टर में हम कहां पे कर रहे हैं, तो वहां पे कंपैरिजन हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों की तरफ से। ये बताएं, क्या समझते हैं आप इस टाइम पाकिस्तान में जो बिजली की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही हैं, उसकी वजह क्या है और पाकिस्तान बना किस लिए था, मुझे पहले तो ये समझाएं। पहली बात तो ये है कि जो आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान कलमे पे नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के 74-75 साल दौड़ में, 78 साल दौड़ में अभी तक इस्लाम के नाम की कोई चीज नहीं आई है पाकिस्तान में। जिसकी जब आपने इस्लाम छोड़ दिया, दीन ये मस्जिद है तो सही है, मस्जिदें हैं, अपनी मर्जी से इबादत कर रहे हैं, अपनी मर्जी। आप कौन आ रहा है, कितने परसेंट मस्जिद में, आप भी प्रोग्राम खत्म हुआ है मस्जिद में, कितने परसेंट है टोटल आबादी, सिर्फ जुमे वाले दिन जाती है, बाकी कितने परसेंट मस्जिद है आप बात करके बैठे हैं। नहीं तो पाकिस्तान बना क्यों था जी, मर्जी से इबादत कर पाए, हमें अंग्रेज, हमें हिंदू जो उनसे वो पता नहीं इबादत नहीं करने देते। हालांकि आज इंडिया में कितने हमसे ज्यादा मुसलमान है, ये काम हमसे ज्यादा मुसलमान है और हमारे से ज्यादा मस्जिद है, या काम ज्यादा मस्जिद है, तो फिर क्या इसका मतलब क्या हुआ? वो जो उनसे है ना, वो उनकी हुकूमत के मुताबिक काम कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के। हम आजाद हो चुके हुए हैं, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसलत है। अच्छा, हमारे ऊपर अपना, हमारे अपने मुसलमान मुसलत है, ठीक है, जिस वजह से हम पीछे से पीछे जाए जा रहे हैं। अच्छा, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसलत है इसलिए वो हमसे बेहतर है, हमारे ऊपर मुसलमान मुसलत है। ठीक हो गया। तो इस टाइम पे इंडिया के मुसलमान क्या सोचते होंगे? इंडिया के नहीं, आप ओवरऑल लेना, आप इंडिया का, पूरी दुनिया के मुसलमान लेना, क्या सोचते होंगे पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान के बारे में सारे मुसलमानों के बारे में सोचो, खाली पाकिस्तान का अपना करें, पूरे फलस्तीन के बारे में आप कितना सोच रहे हैं? तो फलस्तीन के बारे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, आवाम ने करना। हम क्या, आप क्या कर सकते हैं? जब आप और हम जिस बुनियाद के ऊपर मुल्क लिया है, कलमे की बुनियाद के ऊपर, उस कलमे के ऊपर हम इकट्ठे नहीं हो सकते। जो उनसी उम्मत अपने दीन के साथ मुखलस नहीं है, अपने नबी की इज्जत के साथ मुखलस नहीं है, उसने मुल्क के साथ मुखलस होना। आप बताएं, गाजी साहब को फट्टे चढ़ा दिया आपने, कुछ किया? आसिया मलूना को बाहर भेज दिया आपने, कुछ किया? हजूर की जात पे डेनमार्क ने, फ्रांस ने हमले किया, आपने क्या किया? हम प्रोटेस्ट करते तो हैं, कुछ नहीं करते आप, सिर्फ एक दो पार्टियां करती हैं, ठीक है, एक दो बायकॉट भी करते हैं, कभी खबर आती है जी बायकॉट कर दिया, कभी खबर आती है कर दिया। उन लोगों ने क्या, जो फ्रांस के सफीर को बाहर निकालो, बाहर निकालो, निकाला था आपने, तो फिर तो हम फ्रांस के पास, या फिर वो मेरे इख्तियार में तो नहीं कि मैं जाके कहूँ चले जी फ्रांस का, आपके इख्तियार में जो है, आपने वो भी काम नहीं ना किया। हमारा काम तो ये है कि हम देखे पब्लिक की ओपिनियन लेते हैं, लोगों की जो सोच है, कि लोग क्या सोच रहे हैं, जो अभी पाकिस्तान में इश्यूज हैं उसके बारे में। मसला ये, पाकिस्तान के इश्यू खत्म नहीं हो सकते जब तक अवाम ठीक नहीं होती। अवाम, ये बात आपने सच की है, जब तक अवाम ठीक नहीं होती पाकिस्तान के इशू खत्म नहीं हो सकते। ठीक हो गया। क्योंकि हर आदमी यहाँ पे जिसका हाथ नहीं पड़ता उसके लिए अंगूर खट्टे हैं, जिसका हाथ पड़ता है उसके लिए। आप अपनी साफी बरादरी ले लें, कौन सा साफी मीडिया, कौन सा आपका ऊपर जर्नलिस्ट है जिसने मुफ्त खाते में हाजी उमड़े नहीं किए हुए, जिन्होंने इनसे प्लाट नहीं लिए हुए, जिन्होंने मुझे कोई एक आधा, कोई एक मैं भी, लेकिन मुझे तो एक ही नहीं मिला। मुझे आप सारे की लिस्ट दिखा दे, नहीं तो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो फर्जी मुसलमान हैं, फेक मुस्लिम्स हैं। दे आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर फेक मुस्लिम्स। भाई जो अपने प्रोफेट का ना हुआ, आप सिर्फ दिखावे के लिए कहते हैं कि मैं प्रोफेट का इतना बड़ा हुआ हूं, ये तोड़ दूंगा, ये फोड़ दूंगा, ये गर्दन काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप लोग नहीं है, आप लोग फर्जी मुसलमान हैं। स्टैंप लगवाया हुआ है कि मुसलमान, इसलिए आप लोग को बार बार बोलना पड़ता है
कि हम मुसलमान हैं बींग अ मुस्लिम, क्योंकि आप तो प्रॉफिट की बातों को मानते ही नहीं है। प्रॉफिट ने कहा सच बोलो, आप सच नहीं बोलते। प्रॉफिट ने कहा कि मक्कारी मत करो, आप मक्कार लोग हैं। प्रॉफिट ने कहा कि लूट मत करो, आप लूटते हैं। प्रॉफिट ने कहा कि किसी को परेशान मत करो, आप परेशान करते हैं। प्रॉफिट ने कहा कि बेईमानी मत करो, आप एक नंबर के बेईमान, पूरी दुनिया में मशहूर। प्रॉफिट ने कहा कि दो नंबर ही मत करो, आप दो नंबर ही करने में पूरी दुनिया में मशहूर। झूठ आप बोलो, लालची आप हो, बेईमानी आप करो, लोगों की महिलाओं और लड़कियों पर बुरी नजरें आप डालो, चोरी आप करो, डकैती आप डालो, धोखा आप दो, और आप कहते हो कि आप मुसलमान हो, फेक मुसलमान हो, फर्जी मुसलमान हो ही नहीं मुसलमान। और मैं तो कहता हूं कि सऊदी अरबिया, यूएई, इन जैसे जो बड़े देश हैं जो असल मुसलमान हैं, उन लोगों को सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए कि पाकिस्तानी जो हैं ये फेक मुसलमान, इनको मुसलमान माना ही नहीं जाए, माना ही नहीं जाए, क्योंकि आप प्रॉफिट की बातों पर नहीं चलते। तो जो अपने प्रॉफिट की बातों पर नहीं चलता वो मुसलमान कैसे हुआ? और ये मैं नहीं कहता, अभी कल परसों मैंने वो डेली स्वैग वाले का इंटरव्यू किया था ना, उसमें एक अंकल जी आए थे, उनकी वीडियो पहले भी कर चुका हूं, आप लोगों ने सुना होगा उनकी बातों को, मैं उन्हीं की बातों को रिपीट कर रहा हूं। एक ही बता दें, अभी आपको अमेरिका के वीजे की ऑफर करें ना, आपकी पाक मोहब्बत पे पाकिस्तानी वो पड़ी है एक मिनट में। नहीं, अगर आपको अगर अमेरिका का वीजा मिले तो आप नहीं जाएंगे? मैं सारी ओवरऑल बात कर रहा हूं, मैं ओपनली कैमरे के सामने कहता हूं, मुझे शायद वीजा मिले भी हो या मिल भी सकता हो, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान से अगर हम बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान को कौन चेंज करेगा? पाकिस्तान को किसी ने भी नहीं चेंज करना, जो ऊपर बैठे हैं ना वो खुद भी नहीं चेंज होना चाह रहे, आप ही पाकिस्तान चेंज होगा। ऐसे ज्यादा देर चल पाएगा? कैसे चलेगा ये? नहीं चल पाएगा, ये इंतजार करें अल्लाह की हिकमत का, तदबीर का, अजाब का। नहीं अजाब नहीं आएगा, जोर करके उम्मत जमाई अजाब क्यामत तक नहीं आएगा। तो ये जो तूफान कभी इज्तिमाई अजाब नहीं है। अच्छा, ये हुजूर ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत पे क्यामत तक इज्तिमाई अजाब नहीं, उम्मत हलाक इज्तिमाई तौर पे नहीं होगी। ठीक हो गया भाई। इससे बड़ा अजाब कौन सा होगा यार, भूखों मर रहे हो तुम्हारे यहाँ लोग, तुम्हारे लोगों को खिलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, जिसके एवज में वो आईएमएफ के आगे जाके लेट रही है तुम्हारी सरकार, पता नहीं 15वीं या 18वीं बार गई है आईएमएफ के पास, अब कौन सा अजाब चाहिए होता है भाई? तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, पूरी दुनिया में आतंकवादी के नाम से मशहूर हो गए हो, पूरी दुनिया आने से तुम्हारे यहां डर रही है, बवाल मचा हुआ है तुम्हारे यहां, और तुम करो अजाब, तो अजाब कहते किसको हैं? हो गया भाई जान, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? उस्मान अली। क्या करते हैं उस्मान भाई? हम क्या कर सकते हैं यार। अच्छा, वैसे अंकल भी यही बात कर रहे थे, मैंने कहा क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि हम मुसलमान इकट्ठे नहीं है, पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? इनसे पूछा कि जी इंडिया में ज्यादा मस्जिदें हैं या पाकिस्तान में, उन्होंने कहा इंडिया में, नो डाउट है भी ज्यादा। मुसलमान कहाँ पे हैं, उन्होंने कहा इंडिया में, नो डाउट है भी ज्यादा। मुझे बताएं फिर पाकिस्तान बनने का क्या मकसद था कि जी आजादी से हम रहे, आज अगर देखा जाए हर चीज वहाँ पे ज्यादा है? तो देखें जी, इधर आवाम तो बहुत ज्यादा तंग है, सीधी सी बात है। ठीक है, अल्लाह तौबा करना बनता है, बनता नहीं है हाँ, लेकिन फिर भी बनता है। अच्छा ठीक हो गया, क्योंकि इधर आवाम इतनी तंग है, इतनी तंग आपको बता नहीं सकते हैं। आपको वीजा मिला तो अमेरिका चल जाएंगे? मैं कहता हूँ मैं तो सब कुछ बेच के भी जाना पड़ेगा ना, फिर भी जाऊँगा। ये सिचुएशन है, तो फिर पाकिस्तान बनाने का क्या मकसद है? मैं इनसे भी बनाने का मकसद था कि पाकिस्तान में इंसाफ बने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पाकिस्तान का मतलब है। तो वो मतलब पूरा हुआ? किधर हो रहा है आपको पता है? हो रहा है किधर? इधर आप, मैं इधर काम करने आया हूँ। अच्छा, जॉब करूंगा मैं इधर, लेकिन मुझे तनख्वाह कितनी मिल रही है? 20,000। 20,000 में क्या होता है आप मुझे बताओ। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ऐलान किया पेट्रोल कितने का डाल भाई? गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया हुआ है कि 25,000 से या 27,000 नहीं 37,000। अच्छा, जाए यहाँ जाके पूछे यहाँ किसी को 37,000 मिल रहा है? ठीक हो गया, ऐसे ही है। 37,000 तो बिल आ रहा है, बिल आ रहा है 37,000। हम 78 साल क्या करते रहे, बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे यार? हमने थोड़ी जाना है। नहीं तो और किसने लेके जाना है उसको, तो आपने बंद किया हुआ है। नहीं अंकल जी, पहले हम ये कहते थे जी, 1947 से पहले ये कहते थे आगे इसलिए नहीं मुसलमान बढ़ पा रहे कि हम कैद हैं, हम गुलाम हैं, आजाद हो गए 1947 में। आप किस पे आजाद? आप समझ रहे हैं आप आजाद हो गए? हम आजाद नहीं हुए, आजाद नहीं हुए 1947 में। आप आजाद हो, मीडिया आजाद है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी तो है थोड़ी बहुत, ये थोड़ी बहुत है। अच्छा थोड़ी बहुत है तो ये ठीक है। अच्छा यार, अच्छा आप मुझे बताइए कैसे आजाद होंगे, कब आजाद होंगे? जब तक रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम नाफिज नहीं होता
जब तक पाकिस्तान में दीन इस्लाम नाफज नहीं है। कहाँ कौन सा कानून है, कानून की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, आपके ऊपर या मेरे ऊपर, मैंने कलमा पढ़ लिया, आपने कलमा पढ़ लिया, रियासती तौर के ऊपर कानून नाफज तो नहीं ना इस्लामी। जब तक वो नाफज नहीं होता, जब तक, इसीलिए जो अल्लाह तबारक ताला ने खिलाफत का निजाम रखा है, हुक्मरानी जो मुसलमानों के हाथ में, जब तक हमारे पास हुक्मरानी नहीं है तो हम ठीक नहीं होते। जब तक हमें सजा और जजा का अमल इस मुल्क में इंसाफ कटहरा में खड़ा नहीं होगा, उस वक्त तो हम बेहतर नहीं हो सकते। हमारे हुक्मरान बेहतर नहीं है या अवाम बेहतर नहीं है भाई? हम खुद नहीं ठीक, क्या क्यों नहीं सी ना अवाम, हम ही लेके आए ना इनको। ठीक है, हम ही लेके आए हैं, बस ये अब सुन नहीं रहे हमारी। ठीक है, अच्छा आप चेंज कैसे आएगा यार? एक चीज मुझे ना हमेशा हंसी आती है जब भी ये कोई कहता है ना कि पाकिस्तान में दीन का निज़ाम नहीं है, इस्लाम का निज़ाम नहीं है। भाई किसने रोका? 98% मुसलमान इस देश में रहते हैं, इस देश को बनाया गया इस्लाम की बेस पर। और जब आप 77 इयर्स बाद ये कहते हो कि देश में इस्लाम नहीं है, तो फिर तो लोग हंसेंगे ही ना, लोग हंसेंगे ही ना, हम भी हंसते हैं कि कैसी बेवकूफ़ी भरी बात कहता है ये बंदा, या हर पाकिस्तानी कहता है कि इस्लाम से दूरी है, इस्लाम का निज़ाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अबे तो जब आज से 77 साल पहले इस्लाम के नाम पर तुम लोगों ने देश लिया, अलग किया, बंटवारा किया, और अभी तक तुम लोगों ने उस पर इस्लाम लागू नहीं करवा पाए, तो तुमसे बेगैरत कौम कोई और नहीं है इस पूरी दुनिया में। तुम्हारा देश कैसा होगा ये कौन कराएगा? आवाम कराएगी ना। लेकिन धोखेबाज मक्कार आवाम क्या करेगी? चेंज हम नहीं लेके आना है, नहीं, जब कौन सा हमारा हुक्मरान चेंज लाएगा? बस ये छोड़ दें, अब आपको भी पता किसने लेके आना है। चले खैर, खान का नाम लें, अगर आप इमरान खान का नाम के बात करें, हमने घर जाना है, हमें घर से खा लेंगे। ये भी कह रहे थे कि जी, अच्छा जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान का नाम लेते हुए भी डर रहे हैं। अब वो डर रहे हैं, आपके ख्याल से चेंज आ सकता है अगर इमरान खान आ जाए? नहीं, मैं तो 3.5 साल में कोई चेंज नहीं वो लेके आया सर। तो बेटा आना नहीं ना था, किसी ने कहा था कि इनके मुंड के ऊपर हाथ रख के आओ आप, इनकी झोलियों में बैठ के आओ। जब इनकी झोलियों में बैठ के आओगे आप, चेंज करने से मैंने रोका था, आपने रोका था, आपने वोट किसके बुनियाद पे दिया कि मुल्क में तब्दीली आएगी? ये बुनियाद थी ना, ये नारा था आपकी पार्टी का। जब आपकी पार्टी का नारा ये है तो फिर आपने चेंज लेके आना था, आप क्यों नहीं लेके आए? लेकिन वो ये कहते हैं ना, उनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि इतने साल 70 साल का जो है सारा मसला क्रिएट किया, वो 3 साल में तो नहीं हल हो सकता। कोई एक आधा ऐसा अमल जिससे थोड़ा बहुत भी तब्दीली नजर आती हो, ठीक है, सेहत कार्ड उन्होंने दिए, सेहत कार्ड सहूलत है आवाम के लिए, ठीक है, वो बंद करवा दिया आपके मतलब इनके लोग तो नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है, ये क्या बेच रहे हैं मसवाक? दिन का कितना कमा लेते हैं? 500-600 कमा लेते तो गुजारा हो जाता है 500-600 में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। चले ये भी बड़ी अच्छी बात है कि 500-600 में भी वो कह रहे हैं गुजारा हो जाता है। अंकल जी मुझे बता दें फिर आप चल जाना, बल्कि बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा क्या समझ रहे हो ये हमारे दूसरे इर्द गिर्द के कंट्रीज हैं वो हमसे आगे कैसे जा रहे हैं, इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? नेबर कंट्री है क्या वो? अपने हम उस वक्त तक तरक्की नहीं करेंगे जब तक हम अपने मुल्क की साथ इस तरह मुखलस नहीं होते जैसे अपनी औलाद की साथ है, अपनी औलाद की साथ है। मैं बीवी लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बाकी कोई नहीं, सिर्फ औलाद, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी औलाद के साथ मुखलस होता है। जब तक हम इस तरह मुखलस अपने मुल्क के साथ नहीं होते हम तरक्की नहीं कर सकते। तो जो कंट्रीज आगे जा रहे हैं वो इस वजह से जा रहे हैं, मुखलस खलास है उनके अपने मुल्क के साथ। आप लोग ये सोच सकते हैं जब वो जौन से आप तारीख पढ़ते हैं कि वो बड़े सगीर में जब आया तो उसको सोने के साथ बादशाह तोल रहा है, उसने कहा सोना नहीं मुझे चाहिए, मेरे मुल्क को सिर्फ बरतानिया को तजारत की रसाई दे दे, अपने मुल्क की आवाम का सोच रहा है, अपने मुल्क का सोच रहा है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, उसने अपनी मुल्क पर अवाम का सोचा है, कितना खलास होगा उसका? आप तो हमारे पास इतना खलास है मुल्क के लिए, उन्होंने देखे फिर बाद में पूरे हिंदुस्तान में बरस कब्जा किया ना, 100 साल 150 साल जितनी उनकी हुकूमत है वो इस लेवल तक गया। आप और हम जब तक इस मुल्क के साथ अपनी लाज की तरह सिंसियर नहीं होते, मुखलस नहीं होते, हम तरक्की नहीं कर सकते। आप भी अपने गिरेबान में अच्छा, जाके, मैं भी इसमें एक चीज ये भी है, हम अपने जब तक इस्लाम में भी है और ओवरऑल इखलाक भी है कि नेबर के साथ तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जब तक हम अपने नेबर, चाहे वो अफगानिस्तान है, मुसलमान कंट्री है कि नहीं,
ईरान भी मुसलमान है, हम तो उनसे भी नाराज या आपस में मतलब कुशीदगी नजर आती है, इंडिया से कुशीदगी अपने हमसायों के साथ जब तक हम बेहतर नहीं हो सकते। ये तो जिन्होंने कुशीदगी पैदा की है जो मामला थे ये उसका जवाब वो देंगे जो जिनके पास रियासत है। पब्लिक पूछेगी, पब्लिक कहेगी, कोई वो जवाब पब्लिक को पूछ नहीं रही। आप तो हमारे से पूछने कैसे ठीक हो सकता, मैंने तो ये जवाब देना। आप मुझे बताएं आपके दिल में अफगानिस्तान के लिए कोई नफरत नहीं है? मुसलमान ममालिक का मैं तो नफरत से पैदा, इंडिया के लिए कोई नफरत नहीं है? इंडिया में हमसाया ममालिक है हमारा, हम किस लिए किसी से नफरत करें? कोई वजह करते हैं? जबरदस्त कोई रीजन होनी चाहिए ना। नहीं देखें, ऐसी सोच जब पाकिस्तान की पब्लिक की होगी कि भाई हमें बेशक कोई हिंदू है, कोई मतलब मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, हमें हमारा मजहब हमारे तक है, उनका मजहब उन तक है, हम उनसे नफरत क्यों करें? लेकिन यहाँ पे बताया नहीं जाता कि जी हम हिंदू हैं तो वो हिंदू हैं, हम उनसे अपने रिलेशन ही बेहतर करेंगे। वो तो अपने उनके अपना जिन्होंने मुल्क चलाना है, जिनके हाथ में ये सारे सिस्टम है, ये तो वो बेहतर जवाब दे सकते हैं ना कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे हमसे तो आप हमारा पूछ रहे हैं कि हम मुल्क कैसे ठीक हो सकता है, हमने आपको बता दिया इसके अलावा कोई हाल नहीं है। इसके अलावा कोई हाल नहीं है, वाकई में इसके अलावा कोई हाल नहीं है। जब तक हम अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा अपने कंट्री से के साथ सिंसियर नहीं होंगे उस तब तक बेहतरी नहीं है। उस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के साथ मुखलस नहीं है ये लोग। अच्छा, किसी के साथ क्या मुखलस होना, जिसकी बुनियाद पे आपने उन्हें बख्शा जाना, उन्हें शफात करवानी है आपने मेरी, ठीक है, उस नबी के साथ कितने मुखलस? अच्छा, पूरी दुनिया के मुसलमान ऐसे ही है? पाकिस्तान सऊदिया और पाकिस्तान के मुसलमानों में फर्क है? मुसलमान जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान है, वो सारे ही मुसलमान है, ठीक है। ये सारे का इस वक्त हाल यही हुआ है। फलस्तीन के ऊपर कितना का आपने रिएक्शन देख लिया, कितना सऊदी अरब का देख लिया, बाकी ममालिक का देख लिया, हमारा देख लिया, किसी का देख लिया, कितना का आपने हमने कर लिया इन लोगों के साथ, ठीक है सर। इस वक्त मुसलमान जवाल का शिकार है, ठीक है। और ये साजिश नॉन मुस्लिम कर रहे हैं या हम खुद ही अपने नहीं, ये तो ये युद्ध नसारे की साजिश है ना, जो नहीं फरमाया कि ये क्या कहते हैं इस तरह साजिशें करते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ी मफहूम दी इसका बता रहा हूँ कि बड़े बड़े पहाड़ भी है वो भी पनाह मांगे तो साजिश की साजिश को नाकाम क्यों नहीं बना देते? हमारे में लालच बड़ा है, हिर्स बहुत है, ये चीज इसका मतलब गलत हम है। ये आइए जी, कोई हमें ऑफर देता है तो हम क्यों ना कबूल करें, ठीक है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया जी। तो इसमें कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दानिश। और आपका नाम? साकिब अली। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? खाने पीने के लिए आए हैं? हाँ, ठीक हो गया। करते क्या आप? मैं बैंकर हूँ। बैंकर हैं, फिर तो आपको बड़ा हिसाब किताब आता होगा। मुझे बताएं पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन क्यों नीचे जा रही है, क्या वजह है? बिजली पर यूनिट महंगी होती जा रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, आटे की कीमत बढ़ती जा रही है, अवाम यहाँ पे तंग है और लोग देख रहे हैं पाकिस्तान से मूव होने के बारे में। जिनका गुजारा हो रहा है ना वो तो बैठे हुए हैं, ठीक है, और दूसरा जिनका पैसा है सारी बात है वो बाहर जाना पसंद करते हैं, फैसिलिटीज वहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, और जाना उनका बनता भी है, फैसिलिटीज वहाँ पे हो आप अफोर्ड कर सकते हो वहाँ पे जाना भी चाहिए। नहीं, ये कोई लॉजिक तो ना, ये मेरे ख्याल से मतलब पहले हमने इतनी जाने को आई, इतना खून बहा जी, पाकिस्तान एक अलहदा कंट्री बने, पाकिस्तान में हम अपनी मर्जी से सब कुछ करें, आप मेरी बात को जरा समझिएगा, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि बाहर के कंट्रीज में ज्यादा फैसिलिटीज हैं तो इसलिए वहाँ चले जाते हैं पाकिस्तान को छोड़ के, फिर पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या है? देखो, पाकिस्तान बनाने का मकसद जो है ना वो पहले तो ला इला था ना। अच्छा, था नहीं पहले है, था नहीं था नहीं है, मतलब मेनली तो यही था ना, बताया ये जाता है उस टाइम के मुताबिक। देखे उस वक्त जो अभी भी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में रह रहे हैं ना, इसमें कोई शक नहीं, इंडिया में रह रहे हैं वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं आप और बेहतरीन तरीके से, अच्छी वो हमें नहीं आइडिया इतना कि अच्छा गुजार रहे हैं, वट एवर रहते हैं वो थर्ड क्लास सिटीजन ही है, लेकिन बात ये है कि वो वहाँ पे रह रहे हैं ना पाकिस्तान से। क्या थर्ड क्लास सिटीजन? जब आपने कहा कि हमें उतना आइडिया नहीं, तो आपको ये आइडिया कैसे कि वो थर्ड क्लास सिटीजन है? जब आपको आइडिया ही नहीं है तो आपको कैसे पता कि वो थर्ड क्लास सिटीजन है कि फर्स्ट क्लास सिटीजन है? और आपने तो ठप्पा लगा दिया कि थर्ड क्लास सिटीजन है। कैसे है थर्ड क्लास सिटीजन? क्या उसको इस देश में एक हिंदू को जो राइट्स हैं, क्या वो राइट्स एक मुसलमान को नहीं है? इसका जवाब है कि हाँ हैं। जो एक राइट इस देश में हिंदू को है वही राइट मुसलमान को है, वही राइट क्रिश्चियन को है, वही राइट सिख को है, वही राइट इस देश में रहने वाले हर एक इंसान को है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो थर्ड क्लास सिटीजन है? हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया हम लोगों ने, इंसानों ने, कि किसी एक वर्ग विशेष को यह काम करने से रोक दिया जाए। आपके देश में आप इंसानों ने एक कानून बनाया, चूंकि आप मुसलमान वहां पर मेजोरिटी में, इसलिए आप लोगों ने कानून बनाया कि इस देश का पीएम बनेगा तो मुसलमान ही बनेगा, कोई दूसरा पाकिस्तानी नहीं बनेगा। मतलब अगर वो हिंदू पाकिस्तानी है, वो क्रिश्चियन पाकिस्तानी है, वो सिख पाकिस्तानी है, नहीं बनेगा।
ना आर्मी चीफ, ना एयरफोर्स चीफ, ना नेवी चीफ, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ना वजीरे क्या कहते हैं उसको, चीफ मिनिस्टर्स नहीं बन सकता। ये आप इंसानों ने अपने आईन में ये कानून लिखा क्योंकि आप मेजोरिटी में थे, और आप कहते हैं कि थर्ड रेट सिटीजन्स हैं वो, साबित कर दो कोई, बेशर्म। रह रहे हैं ना पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान वहीं पे रहते हैं, ऐसे ही है। वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, नो डाउट। और कुछ यहाँ पे माइग्रेट होके आए, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, आप भी अगर एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं लाहौर पाकिस्तान में, तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह वो वहाँ से आए, उनको सफर हुए, उनको प्रॉब्लम का शिकार हुए, तो मेरा नहीं ख्याल कि खास इतना वो था इसी को। हाँ, लेकिन ये था कि दो कौमी नजरिया था, लेकिन आप देखें कि 1971 स्कूते ढाका 16 दिसंबर को हुआ, वो भी तो अलहदा हुआ। आज जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश जो है, आप देख रहे हैं वहाँ पे जो हालात हैं, हमसे ज्यादा ही उनके पास डॉलर उनके अपने पड़े हैं, हमारे पास तो अपने भी नहीं पड़े हुए, ऐसे ही है। चार अरब पड़े, छह बड़े, वो भी हमारे अपने नहीं है, और वो हमारे नहीं, अभी हमारे बढ़ गए हैं तकरीबन, अभी इसी मंथ की खबर है कि हमारे पास 14 के करीब हो गए, $14 बिलियन के करीब हो गए हैं, लेकिन हाँ अपने उसमें से 3-4 ही हैं, बाकी कुछ सऊदीया, कुछ चाइना और कुछ इस तरीके से यूएई के हैं, ठीक है। लेकिन बात ये कि आवाम भी वैसी है और हुकूमत भी ऐसी है, दोनों मेन चीज ये है, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, ठीक है। ना उनको चेंज चाहिए, ना इनको चेंज चाहिए, ना मुझे चाहिए। तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जैसे आपने बोला कि भारत में हमसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, नो डाउट ये बात मैं मानता भी हूँ और ये है भी सच है, वहाँ पे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। मुझे ये बताएं उन लोगों की इकॉनमी कैसे बेहतर हो गई, उन लोगों हमारे से कितना किया भारत इस टाइम, अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करूँ भाई जान, मुझे बताएं इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से कितना आ गया, तो उसका लॉजिकल एजुकेटेड क्या जवाब। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता नहीं है, अच्छा? किसी भी लेवल पे आप नहीं अब कंपैरिजन इंडिया के साथ कर सकते। क्या वजह? उसकी वजह ये है कि वो चाहे लूली लंगड़ी अपनी डेमोक्रेसी लेके चले, लेकिन वो चले जरूर, लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी नहीं, लूली लंगड़ी तो हम अपनी डेमोक्रेसी को कह सकते हैं या उनकी डेमोक्रेसी को, वो तो आज तक वहाँ मार्शल लॉ नहीं आया, लेकिन वो चली उनकी इसी तरह ही है, उनकी शिकस्त तो मतलब बुरी हालत है, लेकिन आज तक ये है कि उनका करप्शन है सब कुछ, आप हर लेवल पे उसको कंपैरिजन पाकिस्तान से किसी लेवल तक कर सकते हैं, लेकिन आप उनको आप मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप उनको डंट नहीं मार सकते, आप कुछ पाकिस्तानी कभी नहीं सुधर सकते, खुद की पैंट उतरी हुई है, डंगे दिख रहे हैं, लेकिन सामने वाले में कीड़े निकालने पड़ेंगे इनको, और भारत में तो कभी नहीं चूकते, लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी हमारी। अबे बेशरम, मार्शल लॉ लगे इतने सारे तुम्हारे यहां, इकोनॉमी तुम्हारी खराब, लीडरशिप तुम्हें आज तक एक लीडर नहीं मिला 75 ईयर्स में जो 5 साल तक लगातार पीएम बन सके तुम्हारे देश का, और तुम हमारी डेमोक्रेसी को बता रहे हो कि हमारी डेमोक्रेसी लूली लंगड़ी है। ये नफरत जो है ना तुम लोगों की भारत के खिलाफ, ये तुम्हें कीड़े मार मार के सड़ाएगी। अभी हमारी डेमोक्रेसी को लूली लंगड़ी कहते हो, तो तुम्हारी डेमोक्रेसी क्या है बे, जब हमारी वाली जहां कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए, हर बार चुनाव होते हैं, लोग चुने जाते हैं, पब्लिक की आवाज से सरकारें बनती हैं, तुम्हारे यहां तो हुआ नहीं, और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, बताओ यार, आधे से ज्यादा मुल्क ने इमरान खान को वोट दिया, पीएम कौन बना, शहबाज शरीफ, तुम्हारे वोट का क्या हुआ, बाबा जी का ठुल्लू दे दिया तुमको, तुम्हारा वोट का वो बना के और कहीं डाल दिया उसने, लेकिन तुम लोग को फर्क नहीं है, और तुम कह रहे हो भारत की लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है, कजन मैरिज कर करके तुम लोग का आईक्यू लेवल खराब हो गया यार। आप कुछ भी नहीं कह सकते, आपकी हर चीज जो है किसी और की है, आप पेट्रोल नहीं बढ़ा सकते अपनी मर्जी से, आप अपने बच्चों को जो है अपनी फॉरेन पॉलिसीज नहीं आजादी से बना सकते, आप किसी को आप किसी मुल्क को आप अपना एजेंडा नहीं बता सकते कि भाई मुझे ये चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, आप नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले पूछना पड़ता है, और सब जानते हैं पापा से पूछना पड़ता है, पापा यानी पापा पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान से बाहर भी है और यहाँ भी है, ठीक है। मुझे बताएं बेहतरी कैसे आ सकती है, लाहरी बात है, थोड़ी कड़वी बात कर रहे हैं, लेकिन चले मोहब्बत की बात करते हैं, सीखा कैसे जा सकता है, बताऊँ बेहतरी किस तरह की है, बेहतरी सिर्फ उन लोगों के लिए आ गई भी है जिन्होंने जो पाकिस्तान से बाहर चले गए, अच्छा, अपनी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए आपको इस एरिया से इस खत्ते से ना पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा, मेरा सॉरी, वैसे मैं थोड़ा सा इस बात से डिसएग्री इसलिए करूंगा, देखें आप भी एक एग्जांपल है, आप भी पाकिस्तान से बाहर चले गए, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं भी चला गया, तो पाकिस्तान को कौन सर्व करेगा,
पाकिस्तान को जैसे आज हम कर रहे हैं उसी तरह हम जैसी कोई और जनरेशन आके बैठी होगी, जिस तरह ये 70 सालों से यहाँ तक यहाँ पहुँच गया इसी तरह आगे जाता रहेगा। इसी तरीके से क्या आपको लगता है कि इस तरीके से ज्यादा देर आगे चल पाएगा बलूचिस्तान में जो इस टाइम इश्यूज चल रहे हैं? बलूचिस्तान के साथ जाती हमेशा से बचपन से हुई है, ऐसा कोई वो नहीं है। उन लोगों को एजुकेशन चाहिए, हम वहाँ से गैस सारी उठा के बाकी छोड़ो यार, ये वही रिपीटेटिव बातें हैं। कैसा ठीक होगा पाकिस्तान? सब सनातन में वापस आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सब सनातन में वापस आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। असल बात यह है कि पाकिस्तान ठीक होना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान अगर ठीक हो गया तो जो लाख दो लाख जो पावर एलीट है आपकी, उसका क्या होगा फिर? अगर एक आम बंदा पाकिस्तान का सड़क से उठकर जाकर देश का पीएम बन जाएगा तो पावर एलीट आपकी बर्दाश्त करेगी कि यार वो सड़क चलता आदमी को आकर हमारा हमारे ऊपर बैठ गया? इस देश से होने वाली कमाई पर हमारा हक है और किसी का हक नहीं, ये आपके देश की पावर एलीट सोचती है। और इसीलिए अलग मुल्क बनाया था मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना से याद आया, मैं एक बार फिर मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने अलग पाकिस्तान नाम का एक देश बनाने की डिमांड की, उन्होंने एक अलग पाकिस्तान नाम का देश बनाया। जिन्ना जहां भी हो तुम, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। मरे तुम बहुत कष्ट में, कहना नहीं चाहिए, सड़क पर मौत मिली तुम्हें, एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस खराब हो गई, पेट्रोल उसमें डाला नहीं था, तुम्हें मार दिया गया, गर्मी बहुत थी और तुम तड़प तड़प कर मर गए सड़क पर। पाकिस्तान बनाने का ये सिला मिला तुम्हें, और तुम्हारी बहन को भी गद्दार किया दिया, उसके बाद क्या क्या हुआ तो सब पता ही है। तो तुम्हारा पूरा खानदान मिटा दिया गया जिस पाकिस्तान को तुमने लड़कर लिया बनाया। लेकिन आज 77 इयर्स बाद मैं एक इंडियन ये कहता हूं कि जिन्ना तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने पाकिस्तान बना लिया, वरना ये जो 25 करोड़ की आवाम है इसके चलते हम भारतवंशियों का सिर हमेशा शर्म से झुका रहता, हमें भी उसी नजर से देखा जाता जिस नजर से तुमको देखा जाता है, हम भी तुम्हारी तरह भिखारी कहे जाते, टेररिस्ट कहे जाते, आतंकवादी कहे जाते। अच्छा हुआ कि तुम अलग हो गए। बाकी रही कंपैरिजन की बात, तो बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है भारत और पाकिस्तान का, किसी मामले में नहीं है, किसी सेक्टर में नहीं। और हां, याद आया अभी IMF की तरफ से एक प्यार भरा पैगाम आया है तुम्हारी सरकार को। बोला है IMF ने कि जितनी सब्सिडी ये दी जा रही है सब खत्म करो, बिजली के ऊपर फौरन सब्सिडी खत्म नहीं करोगे तो अगला कर्जा मिलेगा नहीं तुम्हें। अब तुम्हारी सरकार सारी सब्सिडी बिजली की खत्म करेगी। पढ़ लेना ये स्क्रीनशॉट जो लगाया है, ढंग से पढ़ना। IMF के कहने पर तुम्हारी सरकार सारी सब्सिडी खत्म करेगी। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो दर्द और दुख शुरू हुआ है तुम लोगों का, अभी तो कुछ नहीं है ये, अभी तो और आने वाला है। अभी तो बिजली बिल से अभी कम परेशान हो तुम लोग, अभी तो अभी आगे और परेशान हो गए, देखते रहो। कर्म का फल तो मिलेगा ना, कर्म पीछा नहीं छोड़ता, सनातन में हमारे कहते हैं कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई आफ्टर लाइफ तो किसी ने देखी नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा, ये जो लाइफ है यही दिखाना है और यहीं पे देखना है। तो दोस्तों आप बताएं कमेंट करके आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पर मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।